आप भी हैं, आपने भी जी. आपने भी बातचीत देखा होगा एलविश यादव केस में, पर एलविश यादव के ऊपर जो इंजाम लगे हैं शुरुआत से ही, एफआईआर हो, एफआईआर 4 महीने तक जांच चली, उसके बाद एलविश यादव को गिरफ्तारी की गई, पर शुरुआत से ही इस मामले में कहीं ना कहीं लग रहा है कोई फंसाने की कोशिश कर रहा हो. देखिए ये सारी चीजें फंसाना या जो भी है, ये सारी चीजें तभी तक हो सकती हैं अगर आपके पास कोई भी साक्ष्य एविडेंस हो. अदरवाइज माननीय न्यायालय में ऐसी कोई भी चीजें, अफवाहें या कहीं सुनी बातें कहीं तक अप्लाई नहीं होती है. प्रॉपर तरीके से माननीय न्यायालय ने पुलिस को कल फटकार लगाई है, मैं खुद वहां प्रेजेंट था, और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास साक्ष्य नहीं है तो आप किसी को किसी भी चीज के ऊपर कोई भी सेक्शन पुट नहीं कर सकते हैं, अन्यथा आप उस सेक्शन को प्रूव कीजिए, एविडेंस दिखाइए, साक्ष्य दिखाइए. ऐसा कुछ नहीं है. सभी लोग जानते हैं एलविश यादव का काफ़ी नाम है, हमने भी काफ़ी सुना है. और एक बात कह रहे थे आप, सिक्योरिटी से लेके पूरी चाक चौबंद सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है न्यायालय में, यहाँ कोई भी किसी को भी किसी प्रकार के कोई खतरा नहीं है. जी, आप लोग भी एक युवा हैं, एलविश यादव के काफ़ी वीडियो आप लोगों ने भी देखा, कभी ऐसा लगता है आपको कि कोई गलत मैसेज दे रहे हो एलविश यादव के एटीट्यूड में हो, कोई कभी ऐसा देख के लगा? नहीं नहीं, एलविश यादव जो हैं वो एक टीचर के बेटे हैं और वो बहुत सभ्य हैं, और मैंने कोई भी उनका ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा है जिससे वो किसी का हरेसमेंट कर रहे हों या किसी के साथ कोई बदतमीजी कर रहे हों. उनको वो बहुत ज़्यादा व्यवहार कुशल हैं, हंसी मजाकिया करने वाले इंसान हैं. जब कोर्ट परिसर में भी लाया जाता है तब उनका जो व्यवहार है किस तरीके का व्यवहार है, पुलिस क्या किस तरीके से व्यवहार रखती है उनके साथ, क्या कहना चाहेंगे उस पर? पुलिस जब उनको लेके आती है तो पुलिस जो है उनको पूरी सुरक्षा में लेके आती है, व्यवहार भी उनका बहुत अच्छा रहता है, और एलविश यादव भी पुलिस को फुल सपोर्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने में. जो धाराएं लगाई गई है उसमें लग रहा है आपको कि एलविश यादव को राहत मिलेगी? अब जो अब कोर्ट ने फटकार लगाई है कहीं ना कहीं एलविश यादव को इसकी जो होली. बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं अगर इसमें सच्चाई होती तो अब तक बहुत सारी चीजें आ चुकी होती और पुलिस बाल का खाल निकाल देती है. अगर कहीं ना कहीं किसी चीज में सत्यता होती है तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बेल इसमें हो जाएगा और ये होली जो है एलविश यादव अपने माता पिता के साथ अपने गांव समाज में मनाएंगे. आपने कहा कि ये बेलेबल एक तरीके से उनको हो सकता है बेल मिल जाए जी, पर अगर बेल नहीं मिला तो और कितने दिन अभी एलविश को राह देखनी पड़ेगी, क्योंकि होली आ रही है जी, 4-5 दिन की छुट्टियां भी, तो और कितने दिन तक राह देखनी? बिल्कुल, कोर्ट की छुट्टियाँ पड़ती हैं क्योंकि सरकारी छुट्टी है होली की. पूरी अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से कल की हियरिंग हमने देखी, चीजों को सुना, साक्ष्य हमने देखे, ऐसा लग रहा है कि इस बार की होली वो अपने घर पे ही मनाएंगे. अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बेल नहीं मिल पाता है तो देखिए कुछ कह नहीं सकते, बाकी अधिवक्ता जो उनके हैं वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे.